नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लखन सैनी। आज मैं आपके लिए पपीते का पेड़ लेकर आया हूं कि पपीते किस प्रकार ग्रोथ करता है और इसमें पपीता अच्छा कैसे लाया जाए और क्या क्या करना चाहिए। आप देख सकते हैं ये पपीते, देखो क्या साइज़ पपीते का है, ये देखो कितना शानदार साइज़ है। और ये आप साइज़ है, कम से कम आप मान के चलोगे 3 किलो का साइज़ है पपीते का। आप देखिए ये 3 kg का साइज़ है, आप देख सकते हो। और भी है, ये देखिए इसमें 3 kg का है। और प्लांट देखिए, आप बोनसाई प्लांट है, ज़्यादा प्लांट की हाइट भी नहीं है, छोटा सा साइज़ है। और इसमें ये होता है कि जैसे मान लो ये कच्चा पपीता, अभी देखो ये फ्लावरिंग है, इसमें से ये देखो हमने हाथ लगाया, इसके अंदर ये दूध निकलना स्टार्ट हो गया है, दूध निकलना स्टार्ट हो गया। तो इससे कवरेज के लिए आप अभी तो इनको खुले में रखिए, ऐसे धूप लगे तो अच्छा रहता है, और भी अच्छा रहता है। अगर आप इसको मतलब इसके अंदर गैप अच्छा रखना चाहिए, कम से कम 5 से 6 फीट का स्पेस रखना चाहिए, ये पपीता फैलता है अच्छा। और अगर आपका पपीता अच्छा ग्रोथ कर रहा है, तो अगर पकने पे आ रहा है, तो आप इसको इससे कवरेज कर सकते हैं। इससे कवरेज करने पर ये होता है कि ये पपीता देखो ग्रोथ बहुत अच्छा करता है, और ये मतलब आपको फर्टिलाइज़र और इसकी सहायता से बहुत अच्छा उपयोग देगा। आपको और भी बताता हूँ, ये देखिए, ये अभी ये देखो ग्रोथ हो रही है, इसमें छोटी छोटी ग्रोथिंग हो रही है पपीते के अंदर। आप पपीते की साइज़ भी देख सकते हैं, और देखो ये कवरेज के लिए इसलिए ढका गया है क्योंकि देखो ये पपीता पकने की स्टार्टिंग पर आ गया है। देखो आप देख सकते हैं ये पपीता पकने की स्टार्टिंग पर आ गया है। इसको ढका इसलिए जाता है क्योंकि ये क्या है, ज़्यादा रोशनी या धूप आती है तो ये ख़राब होना ग्रोथिंग हो जाती है। तो कम रोशनी के कारण, कम धूप करने के लिए इसको ढका जाता है कि पपीता पकते पकते ख़राब ना हो जाए, इसलिए इनको इस कपड़े से कवरेज किया जाता है। आप देख सकते हैं कवरेज कर रहा है पपीता, देखो आप देख सकते हैं पकने की स्टार्टिंग पे आ गए, बहुत अच्छा पक रहा है। अब इसमें मैं आपको फर्टिलाइज़र बताता हूँ कि फर्टिलाइज़र क्या क्या डालना चाहिए। आपको फर्टिलाइज़र सबसे मेन है कि आप अगर आपके पास गोबर की खाद है तो वो ज़रूर डालें, गोबर की खाद बहुत ज़रूरी है। अगर आप गोबर की खाद नहीं डालोगे और खाद डालोगे तो उसका उतना उपयोग नहीं होगा। अगर आपके पास आसानी से गोबर की खाद, तो सस्ती आराम से आपको कहीं भी कोई सी दुकान पर मिल जाएगी। अगर आपके पास गाय भैंस है तो उस पर भी अच्छी तरीके से आपको उपलब्ध हो जाती है। और एक अब ध्यान रखें कि इसमें पानी का उपयोग आप कम करें, पपीता जैसे बड़ा हो जाता है तो आप इसमें पानी का उपयोग कम करें। अगर ज़्यादा पानी का उपयोग करोगे तो फल झड़ना स्टार्टिंग हो जाएगा, फ्लावरिंग भी नहीं आएगी, इसलिए आप पानी का उपयोग कम करें और सनलाइट में ही लगाएं इनको, सनलाइट ज़रूरी है। देखो आप नीचे पपीता आ रहा है और ऊपर फ्लावरिंग आ रही है, इसके अंदर देखो ये फ्लावरिंग दे रहा है, इसलिए धन्यवाद। अगर आप इसमें केमिकल का उपयोग ना के बराबर करें, अगर केमिकल का उपयोग करोगे तो फ्लावरिंग तो अच्छी देगा लेकिन ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। पपीता अंदर से जल्दी पक जाएगा और ख़राब भी जल्दी जाएगा, जिसको आप सेल नहीं कर सकते। ठीक है, धन्यवाद, ओके, शुक्रिया।